पोस्ट सर्व कर रही हैं, वन एंड ओनली नादिया भट्ट। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नादिया जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आपने सब कुछ अमेरिका में किया, अमेरिका में सीखा और अमेरिका को फिर छोड़ के पाकिस्तान आ गई, लाहौर में आपने ये सेटअप सारा किया है, पाकिस्तान नाम से क्यों मोहब्बत? एक्चुअली मैंने जितनी रिसर्च करी ना उसमें एस्थेटिक्स इज अ गुड फील्ड, लेकिन जो नॉलेज होती है अवाम कंज्यूमर्स को, स्पेशली लेडीज और जेंट्स को, वो इतनी नहीं है। तो मेरा जो है आई लव सोशल वर्क, लेकिन एट द सेम टाइम किसी को अवेयरनेस देनी और प्रॉपर ट्रीट करना इज माय मेन गोल। तो इसलिए आई एम हियर बिकॉज यू नो यहाँ पे काफी मिसहैप्स हुए हैं, सो I'm here to help people out, women out, or you know everybody wants to look beautiful, lekin uski pehle you need to know ki uske ek proper procedures kya hai. That's good. Acha yahan pe aap samajhte hain ki awareness hai logon mein ki aesthetics bhi kuch cheez hoti hai aur is tarah bhi aap apni beauty ko enhance kar sakte hain? Nahi, jahan tak maine dekha hai, mujhe 2 saal ho gaye back and forth mein aati jati rehti hu aur maine dekha hai ki kafi awam ko iske knowledge nahi hai, chahe wo ab jo nayi generation bhi badi ho rahi hai unko bhi knowledge nahi hai ki skin ko protect karna kya, what is the first step. तो जब उसकी नॉलेज नहीं है तो बाद में जब आपकी स्किन डैमेज हो जाती है तो फिर वो चाहते हैं कि कोई एक छड़ी घूमे और स्किन वापस अपने 20s में आ जाए। तो होते हैं आज भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे, वो भी ब्यूटी क्रीम से लगा के अपनी स्किन को गोरा चिटा कर रहे होते हैं। नहीं, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। और कुछ ऐसे लोग भी देखे 4-4 क्रीमें मिक्स करके लगा रहे होते हैं।